Hey guys, welcome back to my YouTube channel जिसका नाम है Eco Mera Desi और आज मैं लेकर आई हूँ next part of CBSE Economics Indian Economic Development का first chapter का next part जो कि है foreign trade on the eve of independence, फिर हम पढ़ेंगे demographic profile on the eve of dependence और हम पढ़ेंगे occupational structure on the eve of independence। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो अपने आप में काफी छोटी और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एंड गाइस, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको मेरी पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जहां पर हम सबसे पहले करेंगे फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बेटा क्या था कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में हमारे देश को या देश के प्राइमरी प्रोडक्ट्स का वो एक प्राइम एक्सपोर्टर, यानी कि हमारा जो देश था वो प्राइम एक्सपोर्टर बन गया था प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी एग्रीकल्चरल गुड्स का। सो इंडिया बिकेम अ प्राइम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल जैसे रॉ सिल्क, इंडिगो एंड जूट। फिर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स ने एक तरफा पूरा राज्य बना दिया था हमारे देश पर, यानी कि जितना भी ट्रेड होता था हमारे देश से तो 50% ट्रेड तो सिर्फ हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही कर रहे थे और बचा हुआ जो ट्रेड था वो हम चाइना, सिलोन मतलब आज की डेट में उसे श्रीलंका बोलते हैं, एंड पर्शिया जिसको हम आज की डेट में ईरान बोलते हैं। सो आधा ट्रेड तो हमारे देश का किसके साथ होना था, ग्रेट ब्रिटेन के साथ, और बची कुची ट्रेड हम चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ कर रहे थे। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड मोनोपोली कंट्रोल ओवर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंडिया। मोर देन हाफ ऑफ फॉरेन ट्रेड वॉज डाइवर्सिफाइड टूवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन एंड हाफ ऑफ इट टू द फ्यू अदर कंट्रीज लाइक चाइना, सिलोन एंड पर्शिया। अब आ जाते हैं ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो भी एक्सपोर्ट का सरप्लस होता था यानी जो भी प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट को हमारे डेवलपमेंट में नहीं बल्कि वो किस चीज का इस्तेमाल करते थे, वो इस्तेमाल करते थे अपने पेमेंट्स करने में, वॉर एक्सपेंसेस मीट करने में और इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल ट्रेड के चीजों में उस पैसे को इस्तेमाल करते थे। अब आ जाते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। डेमोग्राफी का मतलब होता है द टाइप ऑफ पॉपुलेशन विच लिव्स इन अ कंट्री। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब आया था। इट केम इन 1881 और तब से लेकर अब तक हर 10 साल में सेंसस जो है वो हमारा चेंज हो जाता है, हम हर 10 साल में उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर आ रहा है यहां पर ग्रेट, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 से पहले इंडिया फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में चल रहा था जबकि 1921 के बाद इंडिया सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में चला गया। तो फर्स्ट फेज 1921 से पहले, सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 के बाद। तो ये जो 1921 है इस ईयर को क्या कहा गया, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब आ जाते हैं इसके पॉइंट्स में कि डेमोग्राफिक यानी देश के लोगों की हालात कैसे थे जब ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़कर गए थे। सो हाई बर्थ रेट था और काफी हाई डेथ रेट था। बर्थ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर बॉर्न आउट ऑफ 1000 इन अ ईयर और डेथ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल हु डाइज आउट ऑफ 1000 इन अ ईयर। सो बर्थ रेट भी काफी हाई था 48/1000 एंड डेथ रेट वॉज 42। अब आ जाते हैं यहां पर हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, कितने बच्चे जो थे एक साल से कम वाले जो हमारे देश में जिनकी डेथ हो जाती थी आउट ऑफ 1000 उसको बोला जाता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, वो भी काफी ज्यादा था। सो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाइज बिलो द एज ऑफ 1 ईयर आउट ऑफ 1000 इन अ ईयर, तो उसको हम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं। सो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिशर्स गए तो वो 218 था आउट ऑफ 1000 जो कि काफी ज्यादा था एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2011 इट इज 44 आउट ऑफ 1000। लास्ट पॉइंट आता है इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ क्या थी लोगों की जो हमारे देश में रह रहे थे। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1947 में इट वॉज 44 ईयर्स, जो 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग इट इज 68 ईयर्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे विच इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, लोग अपना गुजारा बसारा कैसे करते थे। तो 72% जो लोग थे
था, तो सेक्टरल इंबैलेंस था। क्यों था? बिकॉज देयर वाज प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, मैक्सिमम लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर रीजनल इंबैलेंस, यानी लो साइडेड डेवलपमेंट थी, वन साइडेड डेवलपमेंट थी, एक तरफाई डेवलपमेंट हो रही थी, जहां आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे जो स्टेट्स थे वो डेवलप थे और उन्हीं में डेवलपमेंट हो रहा था। दूसरी तरफ उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, इन स्टेट्स की तरफ कोई देख ही नहीं रहा था। यहाँ पर बहुत लोग थे जो काम करना चाहते थे, लेकिन अंडर डेवलपमेंट होने की वजह से गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें यहाँ पर प्रिवेल करती थी। तो आज की वीडियो हम इसी के साथ कंप्लीट करते हैं। इसमें अभी हमारा थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है जहां पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है एंड पॉजिटिव इंपैक्ट्स पढ़ने हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ को क्या पॉजिटिव चीजें दी। तो वो वाला पार्ट हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो कल एक नई वीडियो के साथ आपको फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी।